चमोली उत्तराखंड से, और आज मध्यमेश्वर में आया हुआ हूँ। मध्यमेश्वर में ठंड बहुत है। अक्टूबर 26 और 27 में मैं मध्यमेश्वर में हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ। बाहर पाला पड़ा हुआ है और पूरी सफ़ेदी छाई हुई है। तो मध्यमेश्वर के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा। मध्यमेश्वर पंच केदारों में से एक है, और यहाँ की कथा भी वही है जो शेष पंच केदारों में बाकियों की मैंने आपको बताई थी। केदारनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आज मध्यमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। मध्यमेश्वर की कहानी भी वही है, जब पांडव अपनी कुल हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव जी की प्रार्थना करते हैं और शिव जी के दर्शन पाना चाहते हैं, परंतु कुल हत्या करने के कारण शिवजी पांडवों से नाराज़ हो जाते हैं और उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो उसी क्रम में जब पांडव शिवजी की खोज में निकल पड़ते हैं तो उन्हें शिवजी एक बैल रूप में दिखाई देते हैं। जब भीम उन्हें पकड़ने जाता है तो शिवजी भूमि के अंदर चले जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाग दिखाई देते हैं शिवजी के। जैसे कल्पेश्वर में जटाएँ दिखाई देती हैं, केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है, मध्यमेश्वर में नाभि भाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है और रुद्रनाथ में शिवजी के मस्तक की पूजा होती है। मध्यमेश्वर आने के लिए आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आना होगा, और रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ से 20 किलोमीटर दूर है अगरतोली। अगरतोली तक गाड़ी आती है, अगरतोली के बाद आपको पैदल जाना होता है। अगरतोली से 19 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, और करीब जितना केदारनाथ पैदल चलकर जाना होता है उतना ही मध्यमेश्वर भी आपको पैदल होकर आना पड़ेगा। अगरतोली से 6 किलोमीटर तक का रास्ता जो है वो तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर बाद गंडौर नाम की एक जगह है और वहाँ से आपको पैदल चलकर जाना होगा है। 10 से 12 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई है। रास्ता यहाँ का चौड़ा है, जैसा केदारनाथ में है वैसा ही रास्ता है, लेकिन चढ़ाई बहुत है और केदारनाथ जितनी भीड़ भाड़ यहाँ आपको मिलेगी नहीं। हर 2-3 किलोमीटर पर आपको दुकान मिल जाएगी रास्तों पर, और रुकने की जगह भी मिल जाएगी। गोंडार, मैखम्बा, कून, नानू नाम के स्थान बीच बीच में हैं, जहाँ पर आप चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो, रुकने की भी व्यवस्था इन सभी जगहों पर है। और ये रास्ता 8 से लेकर 10 घंटे तक का है, अगर आप ठीक ठाक चल लेते हो तो। और अगर आप शहरी क्षेत्रों से हो, आपको पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो ये मान के चल लीजिए कि ये रास्ता 2 दिन का है। अगर आप सुबह 6 बजे चलना शुरू करते हो तो आप शाम के 4 या 5 बजे तक मध्यमेश्वर पहुंच पाओगे। यहां तक पहुंचने के लिए घोड़े और खच्चरों की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि आपको अगरतोली में मिल जाएगी। और यहां भीड़ भाड़ कम है, इसलिए रात में यहां जाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पूरे रास्ते कहीं भी लाइट रास्तों पर लगी हुई नहीं है, तो आपको रात को चलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और जंगल का रास्ता भी है, इसलिए रात को आप ना ही जाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ इस रास्ते पर रात को बहुत कम है, मुश्किल से आपको 1 या 2 लोग दिख जाएं। वो मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते पर रात को जाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर रात को आपको लोग जाते हुए दिखेंगे नहीं, क्योंकि यह जंगल का इलाका है और जंगल में बाघ भालू भी होते हैं। वैसे तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन जंगल का रास्ता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं जंगली जानवरों का। इस मंदिर में आने का सही समय अप्रैल और मई और जून का ही है, क्योंकि उस वक्त यहाँ का मौसम अच्छा होता है। नवंबर तक पहुँचते यहाँ ठंडी पड़ने लग जाती है। जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ 6 महीने तक खुले रहते हैं, वैसे ही मध्यमेश्वर भी 6 महीने ही खुला रहता है। सर्दियों में यह बंद हो जाता है, नवंबर माह में बंद हो जाता है यह, और अप्रैल माह में पुनः खुला जाता है। मैं इतना थक गया था 19 किलोमीटर पैदल चलने में कि मैं कहीं रुक के ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए थोड़ा बहुत जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया था वो आप देख लीजिए। मेरी 19 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा पकड़ पाऊँ। मैं 3 बजे निकला था अगरतोली से, और लगातार चलने के बाद मैं रात के 9:30 बजे मध्यमेश्वर मंदिर में पहुँच चुका था। वहाँ रुकने की व्यवस्था है, आप मंदिर के आजू बाजू देखोगे खाने के ढाबे और अस्थायी मकान है। वो किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, लेकिन जितनों को भी आवंटित किया गया होगा
वहाँ पर होटल रुकने और खाने पीने की व्यवस्थाएं मंदिर के आजू बाजू मौजूद हैं। आज आप देख रहे हो मध्य महेश्वर की वीडियो पंचकेदार में से एक। पंचकेदार पे मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन में आप देख लीजिए प्लेलिस्ट, और यहाँ आपको केदारनाथ, कल्पेश्वर और तुंगनाथ की वीडियो भी मिल जाएंगी। बहुत सारे कौवे हैं यहाँ, कौवों की तो बिल्कुल फौज है, और इन्हें ठंड भी नहीं लग रहा है इतनी सुबह हो, और कितनी बड़ी तादाद में है ये यहाँ। हेलो, ये देखो, यहाँ से अंगुलीधार 14 किलोमीटर है जहाँ हमें रुकना था, लेकिन साथ में हमारे कुछ लोग थे तो हम रात में ही आ गए। पाला बहुत पड़ा हुआ है इधर। गेस्ट हाउस है काफी, ठंड तो बहुत है इधर, लेकिन है बहुत अच्छा। सुबह का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा है, और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं पांचों केदार घूम आया हूँ, पांचों केदार के दर्शन हो लिए हैं। यहाँ दुकानें हैं कुछ ऐसी, और ये मधुमेश्वर मंदिर अभी बंद है, पूजा होने के लिए खुलेगा कुछ देर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्राचीन मंदिर है। भोलेनाथ के दर्शन भी हो लिए हैं, और अब चलते हैं वापस रुद्रप्रयाग के लिए। वापस जाने में भी पूरा 6 घंटा लगने वाला है, और मैं 8 बजे चलना शुरू कर रहा हूँ। जाते हुए आप रास्ते भी देख लीजिए, रात को आते हुए मैं दिखा नहीं पाया था, जाते हुए देख लीजिए मनमेश्वर आने के लिए कैसे रास्ते हैं। ये सामने ऊखी मठ है दूर, और ऐसे रास्ते हैं, रात को ही दिख नहीं रहे थे, रात को मैं वीडियो बना नहीं पाया, अभी दिख रहा है कितनी बेहतरीन जगह हैं रास्ते। ये हैं ऊपर बर्फीले पहाड़, और नीचे ये हमें यहाँ जाना है नदी किनारे किनारे। ये इस पहाड़ी पर ये काले काले धब्बे जैसे तुम देख रहे हो, ये भैंस और गाय यहाँ चरने गई हुई हैं, और देख लो कितनी ऊंचाई पर पहाड़ी गाय भैंस चरने गई हुई हैं, ये भी बड़े खतरनाक हैं। जो आपने पुल टूटा हुआ देखा था और इतने बड़े बड़े मलबा आ रखा था, उसकी वजह थी ये। ये देख रहे हो ऊपर चट्टान पूरी खिसक के नीचे आ गई थी नदी के किनारे, तो इस वजह से यहाँ से मलबा ज़्यादा आया, और इतना ज़्यादा मलबा आया कि वो पुल बहा कर ले गया।